स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। आइए शुरू करते हैं क्लास नाइन्थ का टॉपिक, अणु और परमाणु का। आज का अगला टॉपिक है हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। आइए बात करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं, यह डाल्टन परमाणु सिद्धांत सिद्ध करता है। और साथ ही साथ परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं और ना ही उन्हें विनाश किया जा सकता है, ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। यह अंश द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भी सिद्ध करते हैं। और साथ ही साथ कुछ दिए गए तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। यही द्रव्यमान संरक्षण के नियम को यहाँ पे हमें बताता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की किस आधार पर भिन्न होते हैं और किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्षता संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है, यह भी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हमें बताता है। आइए बात करते हैं परमाणु। देखिए, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि परमाणु किसी भी तत्व का बहुत सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म को बदले हुए अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है, वह परमाणु कहलाता है। परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग हैं जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। अर्थात सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या यदि हम देखें तो 0.37 × 10⁻¹⁰ मीटर अर्थात 0.037 नैनोमीटर होती है। अगर इसे हमें ज्ञात करना हो तो हमें पता होना चाहिए 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻¹⁰ मीटर। आइए बात करते हैं IUPAC। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म होती है, के द्वारा आवर्त सारणी कोष में जो तत्व दिए गए हैं उनके चिन्ह दिए गए हैं वह परिपाटी IUPAC के द्वारा ही स्वीकृति प्रदान की गई। आइए बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे एल्यूमिनियम का साइन होता है Al, ऑर्गन का Ar, बेरियम का Ba, कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co, लेड का Pb, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का S, आयोडीन का I, आयरन का Fe, सल्फर का S, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, जिंक का Zn। ये इसके एलिमेंट्स के साइन थे जिसे हम शो करते हैं या आवर्त सारणी में देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में ब्रीफली मिलेगा, तो इसके बारे में हम अभी ज़्यादा जानकारी यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। आइए बात करते हैं किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। 1961 में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई या U को परमाणु के द्रव्यमान का मापक माना था और इस मापन के आधार पर परमाणु द्रव्यमान की इकाई को प्रदर्शित किया था। परमाणु द्रव्यमान की इकाई, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान 1 × 10^12 समस्थानिकों के 1/12 हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात 1 μ बराबर 1/12 × 10^12 के एक समस्थानिक का द्रव्यमान, मीन्स 1 μ इक्वल्स 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। जैसे कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, यदि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को बैलेंस किया गया है, एक साइड पे हाइड्रोजन का परमाणु दिया गया है और एक साइड पे आपको समस्थानिक दिया गया है। देखिए हाइड्रोजन का समस्थानिक 1/2 × 10^12। वहीं नाइट्रोजन के लिए भी सेम बनाया गया है, इसे भी बैलेंस से दर्शाया गया है, तराजू बनाया गया है। देखिए बैलेंस, यहाँ पे नाइट्रोजन इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया और ये इसका समस्थानिक 14 × 1/2 × 10^12। इसी तरह हम अन्य का परमाणु द्रव्यमान भी देख सकते हैं। देखिए ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में हाइड्रोजन दिया गया है 1 μ परमाणु द्रव्यमान इसका, कार्बन 12 μ इसका परमाणु द्रव्यमान, नाइट्रोजन 14 μ इसका परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन 16 μ इसका परमाणु द्रव्यमान, सोडियम 23 μ
इसका परमाणु द्रव्यमान मैग्नीशियम 24, इसका परमाणु द्रव्यमान सल्फर 32, इसका परमाणु द्रव्यमान देखिए 32 म्यू, हम इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना है। क्लोरीन 35.5 म्यू परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम 40 म्यू परमाणु द्रव्यमान। आइए बात करते हैं परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। देखिए ज़्यादातर तत्व के परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ निष्क्रिय गैसें होती हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ठीक है, क्रिप्टन, ये बहुत सारे रेडोन, ये बहुत सारी गैसें होती हैं जो कि हमारी निष्क्रिय गैसें जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आइए बात करते हैं निष्क्रिय गैसों के परमाणु को छोड़कर अन्य ज़्यादातर तत्व के परमाणु या तो अणु का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं परमाणु परमाणु आवेशित। देखिए आवेशित के आधार पर परमाणु आयन और अणु में विभाजित होते हैं, अर्थात आयन आवेशित और अणु आवेश रहित। यदि अणु की बात करें, अणु किसी अणु का निर्माण दो या उससे अधिक परमाणु के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। देखिए अणु तत्व को छोड़ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्म को प्रदर्शित कर सकता है, जैसे कि जल का ले H2O जल की संपूर्ण गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु के बीच रासायनिक बंध होने के कारणवश हो जाता है। इसी आधार पर हम अणु को दो भागों में बांटते हैं, एक तरह के परमाणु से निर्मित अणु और भिन्न भिन्न परमाणुओं से निर्मित अणु, जिन्हें यौगिक भी कहा जाता है। देखिए अणु को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, एक तरह के परमाणु से निर्मित और भिन्न भिन्न तरह के परमाणु से निर्मित। एक तरह के परमाणु से निर्मित में आपका देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O2, N2, O3, SA, P4, ये सारे एक ही तरह के परमाणु से, इसमें अर्थात कोई दूसरा बैलेंस ही नहीं है, दूसरा एलिमेंट इसके साथ अटैच्ड नहीं है। लेकिन अगर हम भिन्न भिन्न परमाणु या यौगिक की बात करें, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के योग से बनता है। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग से जल का निर्माण हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम और क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम और कार्बोनेट से कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो रहा है। तो अर्थात ये यौगिक है या ये भिन्न भिन्न परमाणु से निर्मित है। आइए बात करते हैं तत्व और उसके परमाणुकता की। देखिए परमाणुकता किसी एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑर्गन, ऑर्गन में एक परमाणुक होता है और हीलियम एक परमाणुक होता है, ऑक्सीजन O2 द्विपरमाणुक है, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, फॉस्फोरस चतुष्परमाणुक है, सल्फर बहुपरमाणुक है। देखिए सल्फर S8 से प्रदर्शित किया गया है, इसलिए इसे बहुपरमाणुक कहेंगे। आइए बात करते हैं रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतिक्रियात्मक निरूपण होता है। देखिए रासायनिक सूत्रों की कुछ विशेषताएं होती हैं, रासायनिक सूत्र के संघटकों की संयोजकता या आवेश बराबर होने चाहिए। धातु एवं अधातु के यौगिक की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में लिखा जाता है। रासायनिक सूत्र का सबसे पहला नियम, या कहें सबसे इंपॉर्टेंट नियम, कि पहले तो बैलेंस दोनों साइड होना चाहिए। दूसरा धातु अधातु कि रासायनिक सूत्रों की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है, अधातु को बाद में लिखा जाता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम धातु है और अधातु क्या है, देखिए गैस है ऑक्सीजन, इसे बाद में, सोडियम क्लोराइड, तो इस तरीके से लिखा जाता है। और बहुपरमाणविक आयन, आयनों में रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में यदि कोई बहुपरमाणविक आयन है और रासायनिक सूत्र में आ रहा है, तो इस आयन को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, अर्थात बड़े ब्रैकेट से दर्शाएंगे। आ जो आवेश है उसे ब्रैकेट के बाहर से दर्शाएंगे, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दर्शा रहे हैं, तो CaOH2 देखिए बहुपरमाणविक है और यहाँ भी NH42SO4 है, देखिए तो 4-2, तो इसे 4-2 8 है, n की पावर कितनी है 8 है, NH पूरा दर्शा रहे, तो इस तरीके से हम इसे प्रदर्शित करेंगे। आइए बात करते हैं आणविक द्रव्यमान। किसी भी एक परमाणु
के उपस्थित परमाणु के द्रव्यमानों के योग को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु की इकाई या परमाणु की द्रव्यमान इकाई ही होती है। जैसे कि H2O का द्रव्यमान यदि हमें ज्ञात करना है, जल का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो हमें पता होना चाहिए हाइड्रोजन दो प्रकार दो तत्व के द्रव्यमानों से, याद कहें हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो H2 है और इसका H2 लिखा है यहाँ पे मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे द्रव्यमान देखिए इसका द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन है तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे क्या होगी, तो इसकी वैलेंसी एक होती है यहाँ पे, हम वहाँ पे देखें इसका द्रव्यमान एक होता है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1। ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमें 16 आवर्त सारणी में देख के पता चलेगा, तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो 1 × 16, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 1 2 एंड 16 × 1 16, 16 + 2 18 μ, और जो दर्शाएंगे उसे हम म्यू से दर्शाएंगे क्योंकि आणविक द्रव्यमान की जो इकाई या जो मात्रक होता है उसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात परमाणु की द्रव्यमान इकाई से प्रदर्शित करते हैं। आइए बात करते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। देखिए सूत्र इकाई द्रव्यमान और परमाणु आणविक द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों सिमिलर हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है आइए बात करते हैं। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, अर्थात सूत्र द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान में केवल यही अंतर होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसे संघटक आयन होते हैं या जिसमें समान प्रकार के आयन होते हैं। आइए बात करते हैं सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड इसका अर्थ है कि सोडियम में भी एक ही परमाणु है यहाँ पे और क्लोराइड में भी एक ही परमाणु है, तो इसे हम समान प्रकार के सूत्र इकाई द्रव्यमान में रखा है, सो NaCl, तो एक और एक दोनों की वैलेंसी एक एक है। हमें पता है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है, और देखिए क्लोराइड का 35.5 होता है, तो हम इसे बैलेंस करेंगे तो लिख जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे 58.5 μ। रासायनिक सूत्र लिखने के कुछ नियम भी होते हैं। देखिए सबसे पहले तो तत्व के परमाणु के चिन्हों को लिखा जाता है और साथ ही साथ इसके बाद इसके चिन्हों के नीचे उसकी संयोजकता को प्रदर्शित किया जाता है, जो रासायनिक सूत्र लिखा जाता है उसके नीचे उसकी संयोजकता को प्रदर्शित किया जाता है, और साथ ही साथ संयोजकता परमाणु को क्रॉस से भी प्रदर्शित किया जाता है, क्रॉस के साथ दर्शाया जाता है, और इसके उपरांत संयोजकता हर एक परमाणु के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, बैलेंसी पूर्ण कर ली जाती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में उसकी बैलेंसी उसकी संयोजकता को पूर्ण करते हैं ताकि कोई अनबैलेंस रिएक्शन ना हो, और संयोजकता को क्रॉस करने के लिए रासायनिक सूत्र तैयार किया जाता है। आइए बात करते हैं कैसे हम रासायनिक सूत्र यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें बात करना चाहिए कि कोई भी रासायनिक सूत्र यदि हमें लिखना है तो पहले हमें उसके परमाणु के बारे में पता होना चाहिए, आवर्त सारणी में उसका नाम पता होना चाहिए कि उसका साइन क्या होता है और उसे किस साइन से प्रदर्शित किया जाता है, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड दिया गया है, देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड हमें पता होना चाहिए कि H2S से भी लिखा जाता है, H2S1 से भी लिखा जाता है, लेकिन S1 को हम प्रदर्शित नहीं करते, देखिए क्रॉस से प्रदर्शित किया जाता है। हाइड्रोजन को हम यहाँ पे दर्शाएंगे, देखिए हाइड्रोजन हमें पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या क्रॉस से दर्शाएंगे, 2 होती है यहाँ पे, सो 2, और सल्फर की 1 होती है, तो इसे क्रॉस से दर्शाएंगे और हमारा लिख जाएगा H2S, तो हम इसे क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से प्रदर्शित होती है, देखिए कार्बन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो इस तरीके से हम इसे क्रॉस दर्शाएंगे हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से प्रदर्शित किया जाता है, हमें पता होना चाहिए हाइड्रोजन 1 से प्रदर्शित किया जाता है, क्लोराइड भी 1 से प्रदर्शित किया जाता है, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम यहाँ फिलअप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन की वैलेंसी 1 होती है और क्लोराइड की वैलेंसी यहाँ 4 होती है, ये CCl4 से प्रदर्शित किया जाता है, तो हम इस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, Mg की वैलेंसी 1 होती है, क्लोराइड की वैलेंसी 2 होती है, हमें पता है कि, और हम इसे एंटी क्लॉकवाइज दर्शाएंगे MgCl2। आइए बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्साइड की वैलेंसी याद रखना है 3 होती है,
हम Al2O3 इसकी वैलेंस लिख सकते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा Al2O3। आइए बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और इसकी वैलेंसी ज़्यादातर हम इसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड लिख देते हैं, लेकिन ज़्यादातर Ca2O2 से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हमें सिंपली लिखना है तो 1-1 वैलेंसी कर सकते हैं, लेकिन Ca2O2 लिखना है तो हम यहाँ पे Ca कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, तो इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं सोडियम नाइट्रेट। देखिए सोडियम नाइट्रेट सोडियम Na से प्रदर्शित किया जाता है और नाइट्रेट NO3 से प्रदर्शित किया जाता है। नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1 होती है और सोडियम Na की वैलेंसी भी 1 होती है, तो 1-1 होती है वैलेंसी, लेकिन हम इसे फिलअप करेंगे क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाता है हमारा, हम नाइट्रेट की भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि NO3 है, नाइट्रेट में एक ही नहीं आ रहा है, तो हम इसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे वैलेंसी में गड़बड़ हो जाता है, तो हम यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट की वैलेंसी शो ऑफ नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे 3 पहले से होता है। आइए बात करते हैं आयन। आयन एक परमाणु या परमाणु का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश निहित होते हैं, वे आवेश धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं। आइए बात करते हैं आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। यदि धनावेश आयन की बात करें तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम होते हैं, और यदि ऋणावेशित की बात करें यहाँ पे क्लोराइड सल्फर हाइड्रोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं आयन। आयन मुख्यतः सरल आयन और यौगिक आयन होते हैं। देखिए सरल आयन जो होते हैं वे आवेशित परमाणु कण होते हैं, और यौगिक जो आयन होते हैं वे आवेशित परमाणु का समूह होते हैं। जैसे कि हम यहाँ मैग्नीशियम में देख सकते हैं, ये आवेशित परमाणु कण है, और यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फेट या कार्बोनेट सल्फनेट और हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम आयन बहुत सारे में देख सकते हैं, ये आवेशित परमाणु का समूह है। आइए बात करते हैं आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र, अर्थात यौगिक आयन कैसे बनाए। देखिए यौगिक आयन यदि हमें लिखने के लिए कहा जाता है और हमें दिया रहता है कोई रासायनिक समीकरण या रासायनिक सूत्र, देखिए उसे किस तरीके से हमें बैलेंस करके उसका रासायनिक नाम लिखना है। देखिए सोडियम कार्बोनेट यदि हमें दिया रहता है तो हमें याद रखना चाहिए कि सोडियम को Na से लिखा जाता है और कार्बोनेट को CO3 लिखा जाता है, और हमें यह भी याद रखना है कि इसके आयन की संख्या सोडियम के आयन की संख्या 1 होती है प्लस 1 होती है, और कार्बोनेट के आयन की संख्या -2 होती है। तो यदि हम इसे लिखेंगे तो Na2CO3, अर्थात आयनिक यौगिक एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धन आयन अर्थात ऋण आयन मिलकर एक रासायनिक सूत्र का निर्माण करता है। आइए बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3। देखिए एल्यूमिनियम को का जो रासायनिक सूत्र होता है Al होता है, और सल्फेट SO4 से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है -2 होती है आयन वैलेंसी, और सल्फेट की जो आयन वैलेंसी होती है वो +3 होती है, तो इसका सूत्र हो जाएगा Al2SO4 3। आइए बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित किया जाता है और हाइड्रोक्साइड को OH से प्रदर्शित किया जाता है। कैल्शियम की वैलेंसी -1 होती है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी +2 होती है, तो इसका सूत्र हो जाएगा CaOH2। आइए बात करते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में अमोनिया NH4 से लिखा जाता है जिसकी वैलेंसी -2 होती है, और सल्फेट की वैलेंसी +1 होती है, इसका सूत्र हो जाएगा NH4 2 SO। आइए बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम आ रहा है पहले, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी -1 होती है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी +2 होती है, इसका सूत्र हो जाएगा MgOH2। आइए बात करते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसी भी परमाणु के एक मोल कणों के द्रव्यमानों का योग होता है जिसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं, अर्थात मोलर द्रव्यमान एक मोल परमाणु कणों का द्रव्यमान होता है। मोलर द्रव्यमान 6.022 × 10²³ पदार्थ कणों का द्रव्यमान होता है। तो इस तरीके से हम इसके फॉर्मूले और भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।